जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी मोबाइल फ़ोन हैंग करता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो टिप्स नंबर वन दोस्तों, डिलीट अनवांटेड फाइल। जी हाँ दोस्तों, आप किसी एप्लीकेशन पर जाते हो या वेबसाइट पर जाते हो तो वो आपके स्टोरेज में स्टोर होकर आ जाता है। तो दोस्तों इससे आपका स्टोरेज भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब इसको कैसे आप डिलीट करें, तो सिंपल आपको अपना सेटिंग्स में जाना होगा, वहाँ पर अपना स्टोरेज में जाना होगा दोस्तों, और वहाँ पर इंटरनल स्टोर में जाना होगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता होगा कैच डेटा, तो सिंपल आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ पर डिलीट कर देना है, तो जिससे आपका एंड्रॉयड मोबाइल हैंग नहीं होगा। टिप्स नंबर टू, मूव टू एसडी कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वह एप्लीकेशन आपके इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड होता है, तो उससे आपका मोबाइल फ़ोन में स्टोरेज भी हो जाती है और वो आपका मोबाइल फ़ोन हैंग होने लगता है। तो सिंपल आपको कोई भी थर्ड पार्टिकल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है या मूव टू एसडी कार्ड, और ये आप यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप कर सकते हो सारी एप्लीकेशन को एसडी कार्ड में। टिप्स नंबर थ्री, डिलीट हैवी एप्स। जी हाँ दोस्तों, आपके कम रैम कम स्टोरेज होने के बावजूद आप हैवी एप्लीकेशन को रन करते रहते हैं, तो दोस्तों इसीलिए आपका मोबाइल फ़ोन हैंग होने लगता है। तो दोस्तों सिंपल मेरा आपको रिकमेंड है कि आप इस एप्लीकेशनों को डिलीट कर दीजिए, तो अब आपका मोबाइल फ़ोन हैंग नहीं होगा। अवॉइड मल्टी टास्किंग। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका अगर आपके पास कम रैम है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर इसको हटा देना है कुछ इस तरीके से, आपको इसको यहाँ से हटा देना है दोस्तों, जिससे आपका रैम ज़्यादा यूज़ नहीं होगा और आपका मोबाइल फ़ोन हैंग नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स, अगर आप इसको फॉलो करते तो आपका मोबाइल फ़ोन हैंग नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर डेली नई नई वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।